हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 17 फॉर क्लास 9th इंग्लिश सब्जेक्ट की वर्कशीट है, जो आपके लिए 17 अगस्त 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है बच्चों, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग वर्कशीट है आपकी। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन वो मिल जाए। ये जो वर्कशीट है आपकी, ये एक बायोग्राफी है। बायोग्राफी है किसकी? एवेलिन ग्लानी की। देखिए बायोग्राफी क्या होती है बच्चों? बायोग्राफी होता है जब हम किसी और के बारे में लिखते हैं, ठीक है, तो वो होता है बायोग्राफी। क्या बोलते हैं उसको? हम बोलते हैं बायोग्राफी। और ऑटोबायोग्राफी क्या होता है? ऑटोबायोग्राफी होता है जब हम खुद के बारे में लिखते हैं, तो वो उसको हम ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। तो ये जो साउंड ऑफ म्यूज़िक, इसके टू पार्ट्स हैं। तो ये फर्स्ट पार्ट जो है आपको यहाँ पर उसका एक्सट्रैक्ट दिया गया है, क्लियर। तो इसमें जो स्टोरी है वो कैसे रहती है कि इसमें एक लड़की है, ठीक है, जिसका नाम क्या है? एवेलिन ग्लानी है। और वो लड़की जब 8 साल की है तो वो अपनी सुनने की जो क्षमता है वो उसकी ख़त्म हो जाती है, क्लियर। और उसको ये पता कब चलता है? जब उसको स्टेज पर जो है म्यूज़िक के लिए अनाउंस किया जाता है, क्योंकि वो क्या थी? वो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बजाती थी, प्रीकॉशनिस्ट थी वो। प्रीकॉशनिस्ट क्या होता है? जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट जो बजाते हैं, तो प्रिकॉशनिस्ट थी। तो उसको स्टेज पर बुलाया गया, तब उसको पता चला। उसके बाद जो है क्या हुआ, धीरे धीरे जो है जब वो 11 साल की हुई तो उसके मार्क्स भी बहुत ज़्यादा कम आने लगे, तो उसके पेरेंट्स को चिंता होने लगी। जैसे अगर आपके मार्क्स कम आते हैं तो आपको चिंता होती है ना, पेरेंट्स को चिंता होती है, तो ऐसे ही उसके पेरेंट्स को भी चिंता हुई। तो वो उसके उसको जो है डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं। फिर डॉक्टर ने उसको बताया कि उसकी जो नर्व हैं, ब्रेन की नर्व, वो नर्व जो है वो डैमेज हो चुकी है, जिसके कारण उसकी सुनने की जो क्षमता है, कैपेसिटी है, वो जा चुकी है। अब उसके पेरेंट्स उसको जो बच्चे सुनते नहीं हैं तो ऐसे स्कूल में जो है उसको डलवा देते हैं। अब वहाँ पर वो एक बच्ची को जाइलोफोन बजाते हुए देखती है, क्लियर। तो उसके बाद हम ये एक्सट्रैक्ट पढ़ेंगे अब आगे क्या होता है। तो वो उस बच्ची को जाइलोफोन बजाते हुए देखती है, तो देखिए, बट एवेलिन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप। अब एवेलिन की जो है जो सुनने की क्षमता है वो खो चुकी है, लेकिन एवेलिन गिव अप नहीं करती। एवेलिन जो है वो एक तरह से यहाँ पे मैसेज दिया गया है कि अगर आप चाहते हो कि आपको ज़िंदगी में कुछ करना है, तो आपके सामने जितनी भी डिफ़िकल्टीज आती हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, उन सबको आपको पार करके आगे निकलना होगा, तभी आप जीवन में सक्सेस हो सकते हो, सक्सेसफुल हो सकते हो। तो एवेलिन जो है वो भी बहुत डिटरमाइंड है अपने आप को लेकर। वो सोचती है कि जो सब कर सकते हैं मैं भी वो कर सकती हूँ। सो एवेलिन जो है वो गिव अप नहीं करती। शी वॉज डिटरमाइंड टू लेड ए नॉर्मल लाइफ। वो एक नॉर्मल लाइफ जो है जीने की डिटरमाइंड करती थी, एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूज़िक। और म्यूज़िक में अपना इंटरेस्ट जो है वो कंटिन्यू रखती है। वन डे शी नोटिस्ड अ गर्ल प्लेइंग अ जाइलोफोन। एक दिन वो एक लड़की को जो है जाइलोफोन बजाते हुए देख रही थी, एंड डिसाइडेड दैट शी वॉन्टेड टू प्ले टू, ठीक है, और वो डिसाइड करती है कि वो भी इसको बजाएगी। एंड मोस्ट ऑफ द टीचर्स डिस्करेज हर। अब बहुत सारे जो टीचर्स हैं उन्होंने उसको क्या किया, उसके टीचर्स ने उसको डिस्करेज किया कि तुम ऐसा नहीं कर सकती। बट हर परक्यूशनिस्ट रॉन फॉबस स्पॉटेड हर पोटेंशियल। लेकिन एक जो यहाँ पे जो टीचर हैं रॉन फॉब्स, उनके वो भी क्या है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं, तो उन्होंने उसकी जो पोटेंशियल है उसको पहचान लिया। ही बिगेन बाई ट्यूनिंग टू लार्ज ड्रम टू डिफरेंट नोट्स। उसने जो है दो बड़े जो ड्रम हैं उनको अलग अलग ट्यून्स पे बजाना शुरू किया, ठीक है। डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स, ही वुड से। उसने कहा कि इसको अपने कानों से मत सुनो, ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे। इसको अलग अलग तरीके से सेंस करने की कोशिश करो, ठीक है, फील करने की कोशिश करो, सेज एवेलिन। सडनली आई रियलाइज, एवेलिन कहती है, सडनली आई रियलाइज आई कुड फील द हायर ड्रम फ्रॉम द वेस्ट अप एंड द लोअर वन फ्रॉम द वेस्ट डाउन, ठीक है। तो वो कहती है कि जो बड़ा ड्रम है, हायर ड्रम है, उसको वो सेंस करने लगी अपने वेस्ट के ऊपर वाले हिस्से से, और जो छोटा ड्रम है उसको उसने सेंस किया अपने वेस्ट के नीचे वाले हिस्से से। फॉब्स रिपीटेड द एक्सरसाइज। फॉब्स ने जो है इसको बार बार इस एक्सरसाइज को किया, बार बार ड्रम बजाया। एंड सून एवेलिन डिस्कवर्ड दैट शी कुड सेंस सर्टेन नोट्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हर बॉडी, ठीक है। तो अभी एवेलिन ने पाया कि वो अलग अलग जो नोट्स हैं, म्यूजिकल नोट्स हैं, उनको अलग अलग बॉडी के पार्ट से सेंस कर पा रही है। आई हैड लर्न टू ओपन माई माइंड एंड बॉडी टू साउंड एंड वाइब्रेशन, ठीक है। तो उसने जो है इसको सीखने के लिए, सेंस करने के लिए, एक तरह से अपना जो है उसने अपना माइंड, अपनी बॉडी पूरी तरह से उसने ओपन कर दिया, क्लियर। नाउ द रेस्ट वॉज शीयर डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क। और बाकी जो था, बाकी उसका क्या था, एक तरह से डिटर्मिनेशन, उसका जो हार्ड वर्क था, उसका जो डिफ़िकल्टीज़ को फेस करने का जो डिटर्मिनेशन था,
ठीक है, वो जो है सब कुछ वही था। क्लियर। आप देखिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। फर्स्ट है, बेस्ड ऑन द गिवन एक्सट्रैक्ट व्हाट डिड एवेलिन नॉट थिंक ऑफ परस्यूइंग म्यूजिक। जो एक्सट्रैक्ट दिया गया है उसके बेस पे एवेलिन जो है वो म्यूजिक के बारे में क्या नहीं सोचती। फर्स्ट दिया गया है आई कैन डू एनी थिंग, आई वॉन्ट टू डू, तो वो ऐसा सोचती है कि मैं जो है कुछ भी कर सकती हूँ और मैं करूँगी। सेकेंड आपको दिया गया है आई विल वर्क हार्ड एंड प्रूव माई सेल्फ, मैं बहुत मेहनत करूँगी और अपने आप को प्रूव करूँगी, यह भी सोचती है वो, ठीक है। थर्ड दिया गया है आई विल नॉट स्टॉप ट्राइंग, मैं कोशिश करना नहीं छोड़ूंगी, तो ऐसा भी वो सोचती है। फोर्थ दिया गया है नोबडी वांट्स मी हेयर, मुझे यहाँ कोई नहीं चाहता, आई शुड गो बैक होम, मुझे वापस घर चले जाना चाहिए, ऐसा तो नहीं सोचा। तो इसका आंसर क्या रहेगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन फोर, क्लियर है, डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, ऐसा वो नहीं सोच रही थी। सेकेंड देखिए, हर टीचर टोल्ड हर नॉट टू लिसन थ्रू ईयर्स बट सेंस इट सम अदर वे, वाई डू यू थिंक ही सैड सो। उसके टीचर ने उसको क्या बताया कि इसको कानों से मत सुनो, इसको किसी दूसरे तरीके से सेंस करो, तो ऐसा उन्होंने जो है वाई डू ही थिंक, उन्होंने ऐसा क्यों सोचा। फर्स्ट ए ऑप्शन दिया गया है ही वॉज ट्राइंग टू बी फूल हर इन ट्राइंग विदाउट ईयर्स, तो वो उसको बेवकूफ़ बना रहे थे क्योंकि कानों के बिना तो सुना ही नहीं जा सकता है। सेकेंड है ही थॉट ऑफ मेकिंग द थिंग्स टफ फॉर हर, वो उसके लिए चीज़ों को बहुत मुश्किल बना रहे थे, ठीक है। सी क्या दिया गया है, ही वॉन्टेड हर टू स्टे कॉन्फिडेंट एंड ओपन अप हर माइंड, वो चाहते थे कि वो कॉन्फिडेंट रहे और अपने माइंड को खोले, यानी एक तरह से जब हम किसी चीज़ को सेंस करते हैं, जब हम सुन नहीं पा रहे हैं तो होता है ना कि एक तरह से हमारे सिक्स सेंस जो है वो अवेयर हो जाती हैं, क्लियर। तो वो एबिलिटी वो उसके अंदर लाना चाह रहे थे। डी ही एग्रीड विद रेस्ट ऑफ द टीचर्स एंड ट्राई टू फेल हर, तो वो दूसरे जो टीचर्स हैं जो उनको क्या कर रहे थे, उनको डिस्करेज कर रहे थे, उनसे एग्री थे और वो जो है उसको फेल करना चाह रहे थे, तो वो क्या करना चाह रहे थे, यहाँ पे सी ऑप्शन रहेगा, ही वॉन्टेड हर टू स्टे कॉन्फिडेंट एंड ओपन हर माइंड, ठीक है, उसका माइंड जो है वो ओपन करना चाहते थे। नंबर थ्री देखें यहाँ पे क्या दिया गया है, विच ऑफ द क्वालिटीज इज नॉट हाईलाइटेड इन एवेलिन इन द गिवन कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, विच ऑफ द क्वालिटीज इज हाईलाइटेड आएगा बच्चों, इसमें नॉट नहीं आएगा, ठीक है, उसकी कौन सी क्वालिटीज जो है वो हाईलाइट की गई थी। बट एवेलिन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप, लेकिन एवेलिन जो है वो गिव अप नहीं करना चाहती थी, तो ये जो फैराज हमें दिया गया है इसमें उसकी कौन सी क्वालिटी जो है वो दिखती है। फर्स्ट है ऑबस्टिनेट, है ऑबस्टिनेट होता है जिद्दी। सेकेंड है डिटरमाइंड, ठीक है, हेल्पलेस, ओवर कॉन्फिडेंट थी, लेबोरियस थी, मेहनती थी एंड परसेवरेंस थी, ठीक है। तो इसमें जो है परसेवरेंस क्या होता है, एक तरह से होता है ना कि दृढ़ निश्चय जो होता है, जो ठान लिया एक बार बस वही करना है, तो दृढ़ निश्चय होता है तो वो होता है। तो यहाँ पे उसकी कौन सी क्वालिटी है, एक तो वो लेबोरियस है, डिटरमाइंड है, और सिक्स्थ क्या है यहाँ पे, ये वाला हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, परसेवरेंस है, तो ऑप्शन सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। सेकेंड, फिफ्थ और सिक्स्थ ये क्वालिटीज़ उसके अंदर थी। नेक्स्ट देखिए नंबर फोर, डैश स्पॉटेड हर पोटेंशियल, चूज द ऑप्शन दैट डोंट कोरस्पोंड टू द वर्ड पोटेंशियल हेयर। सो पोटेंशियल्स के कोरस्पोंड यहाँ पर कौन सा वर्ड नहीं है वो आपको फाइंड आउट करना है। ऑप्शन ए प्रॉस्पेक्टस दिया गया है, प्रॉस्पेक्टस होता है एक तरह का व्यू जो है, चीज़ों को देखने के कितनी पोटेंशियल, कैसा व्यू है हमारा। दूसरा है यहाँ पे एनर्जी यानी पावर से रिलेटेड है। थर्ड कैपेसिटी, हमारे अंदर कितनी पोटेंशियल, कितनी कैपेसिटी है किसी भी काम को करने की। एंड फोर्थ है पॉसिबिलिटीज़, कितनी क्षमता है हमारे अंदर, कितनी पॉसिबिलिटीज़ है। तो इसमें जो प्रोस्पेक्टस है, पॉसिबिलिटीज़ है, कैपेसिटी है, ये तीनों का जो है मीनिंग पोटेंशियल से मिलता जुलता है। जो डिफरेंट है वो यहाँ पे एनर्जी है, तो सेकंड ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन सेकंड बी जो है इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट देखिए नंबर फिफ्थ है, पिक द मोस्ट सुटेबल कोट फॉर दिस एक्सट्रैक्ट, तो इसके लिए मोस्ट सुटेबल कोट जो है एक्सट्रैक्ट के लिए कौन सा रहेगा। ए है ऑल दीज वी आर इज द रिजल्ट ऑफ व्हाट वी थॉट, व्हाट वी थिंक वी बिकेम बुद्धा। सेकंड दिया गया है नेवर अंडर एस्टिमेट द पावर यू हैव ओवर व्हाट हैपन्स टूडे, तो पावर्स को हमें अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। एंड नेवर फॉरगेट द पावर टूडे हैज़ ओवर टुमारो, ठीक है। सी दिया गया है ऑब्स्टिकल्स कैनोट क्रश मी, एवरी ऑब्स्टिकल्स क्या होती हैं, जो रास्ते में आने वाली कठिनाइयाँ होती हैं, एवरी ऑब्स्टिकल्स यील्ड अ स्टर्न रिजॉल्व, ही हु इज फिक्स टू अ स्टार डज नॉट चेंज हिज माइंड, जिसने एक तरह से लक्ष्य को निर्धारित कर लिया है उसको कोई चेंज नहीं कर सकता। लियोनार्डो द विंसी का बहुत ही फेमस कोट है ये। डी दिया गया है लाइफ ग्रेटेस्ट अचीवमेंट इज पिकिंग
आवर सेल्फ्स अप फ्रॉम फेलियर मस्ट चेंज इन। तो ये जो है बिल्कुल एकदम सही है यहाँ पे डी, कि लाइफ की ग्रेटेस्ट अचीवमेंट है कि पिकिंग आवर सेल्फ, यानी जो फेलियर होती है जिंदगी में, हम फेल होते हैं तभी कुछ सीखते हैं। तो ये मास्टर चेंग येन इनका कोट है, तो इसका आंसर आपका डी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये थी आपकी आज की इंग्लिश की वर्कशीट। आई होप सभी स्टूडेंट्स को वर्कशीट क्लियर है, कोई भी डाउट है पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए बेटा, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर।